देखेंगे गणित का नाम क्या दिया गया है, संख्याओं में तुलना करना, संख्याओं में तुलना करना। यहाँ पे जो है छोटी और बड़ी संख्या की पहचान करना है, छोटी बड़ी संख्या दी गई है, ठीक है ना। यहाँ पे कौन कौन सी छोटी बड़ी संख्या दी गई है, ठीक पहले की संख्या, बीच की संख्या, ठीक पहले की संख्या, ठीक बाद की संख्या और ठीक पहले की संख्या, ठीक है ना। इनकी हम तुलना करेंगे, कौन बड़ी संख्या है, कौन छोटी संख्या है, कौन बड़ी संख्या है और कौन बीच की संख्या है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है ये बॉक्स बना हुआ है, इसको देख लीजिए आप सभी। बॉक्स में क्या दिया गया है, ठीक पहले की संख्या। यहाँ देखिए पहला बॉक्स खाली है और यहाँ पे क्या दिया गया है, 18, ठीक है। तो 18 के पहले कौन सी संख्या आएगी, ठीक पहले की संख्या, हम क्या करेंगे यहाँ पे 17, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ देखिए ठीक बाद की संख्या, यहाँ पे 19 दिया गया है और ये बॉक्स खाली है, तो 19 के बाद कौन सी संख्या आती है, 20। अब यहाँ पे देखिए 20 की संख्या, अब यहाँ पे तीन बॉक्स बने हुए हैं, एक बॉक्स में लिखा हुआ 18 और 20 के बॉक्स खाली है और तीसरे बॉक्स में 20 लिखा हुआ है, तो 18 के बाद कौन सी संख्या आती है, 19। इस तरह जो है आप अभी इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। चलिए आप अपना कंप्लीट कर लिए, इधर मधु आ जाओ, चलो इसको कंप्लीट करो, ठीक है ना। मधु इसको कंप्लीट करेंगी, इसको आराध्या, इस तरह जो है बारी बारी सभी बच्चे आगे कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। चलिए बनाइए इसको, यहाँ ठीक पहले की संख्या, अब यहाँ पे 15 दिया गया है तो उसके पहले संख्या क्या होगी, लिखिए, हाँ वेरी गुड। अब यहाँ पे दिया गया ठीक बाद की संख्या, ठीक बाद की संख्या, अब यहाँ पे 9 है तो यहाँ कौन संख्या होगी, बाद की संख्या, बहुत अच्छा। अब यहाँ पे दिया गया है बीच की संख्या, इसको पहले पढ़िए क्या दिया है, 22, और यहाँ पे क्या दिया है, 24, तो 22 और 24 के बीच की संख्या क्या होगी, 23। हाँ देखिए, चलिए बहुत अच्छा, इनके लिए ताली बजा दीजिए। चलिए आराध्या आप आ जाओ, आराध्या अब आप इसको बनाओ, बॉक्स नंबर 3 हो, चलिए इसको कंप्लीट करो, पढ़ते जाइए, ठीक है ना। 21 के पहले कौन संख्या आती है, 20, अब यहाँ दिया गया है बाद की संख्या, तो यहाँ पे दिया है 13, तो 13 के बाद की संख्या क्या होती है, 13 के बाद 14, अब यहाँ पे देखिए 33 और यहाँ पे दिया है 35, तो 33 और 35 के बीच की संख्या क्या होगी, 34, वेरी गुड। बादल आप आ जाओ, बादल भी आप कंप्लीट करो इसको, ठीक है ना, यहाँ पे आप कंप्लीट करेंगे, पढ़ते जाइए। ठीक पहले की संख्या, 28 के पहले कौन संख्या आती है, हाँ 27, अब यहाँ दिया है 20, 20 के बाद कौन संख्या आती है, 21, अब यहाँ दिया गया है 12 और 14, 12 और 14 के बीच की संख्या क्या होगी, 13, वेरी गुड। चलिए इसी तरह जो है सभी बच्चे लगाएंगे, ठीक है ना, पहले कंप्लीट करिए, चलो नीचे की संख्या बनाओ, बहुत अच्छा, तो बढ़ते जाइए। 24 की बाद की संख्या, 24 की बाद की संख्या क्या होगी, 24 की बाद की संख्या क्या होगी, 25, अब यहाँ दिया गया है 27 और यहाँ 29, 27 और 29 के बीच की संख्या लिखिए, चलिए बहुत अच्छा, समझ में आ गया, सभी लोग कंप्लीट।